पेट्रोल डीजल तो अब पुरानी चीजें होगी, उनको तो आप एक साइड पे कर दो, अब टाइम आ गया बढ़िया ब्लैक लेबल का। तो आज हम देखेंगे कि क्या अगर हम एक गाड़ी में फ्यूल की जगह अल्कोहल डालें तो क्या वो चल पाएगी। भाई पता चले टार्जन द वंडर कार की तरह रातों को अकेली निकल गई और सुबह जब नशे उतरे तब घर वापस आ रही है। ऐसे ही काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएंगे और उसमें लोग गाड़ियों में तो छोड़ो बाइकों तक में सस्ती दारू डाल के चला रहे हैं। पता नहीं कैसे इन लोगों की गाड़ियां इतने इतने किलोमीटर चल भी जाती हैं। पर क्या आपको पता रियलिटी में क्या होता अगर हम रेगुलर फ्यूल की जगह अपनी गाड़ी में अल्कोहल डाले तो। इससे पहले तो मेरा उन लोगों को गाली देने का मन कर रहा है जो कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा तो हम अल्कोहल डाल के गाड़ी चलाएंगे। मेरे भाई सस्ती से सस्ती दारू भी ले लो फिर भी 100 रुपए लीटर तो नहीं आएगी वो। गाड़ी में अल्कोहल डालने के बाद 1 से 5 किलोमीटर तक तो वो नॉर्मल चलेगी क्योंकि उसके फ्यूल पाइप में थोड़ा सा तो फ्यूल होगा। और उसके बाद जैसे ही अल्कोहल गाड़ी के इंजन तक पहुंचेगा आपको गाड़ी की आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद गाड़ी 2-3 झटके देके बिल्कुल ही बंद हो जाएगी और अब भूल जाओगे 50 से 60 हजार रुपए लगाए बिना फिर से स्टार्ट होने वाली है। अब महंगी दारू पिलाई है तो खर्चे भी उठाओ फिर।